आवाज निकलेगा और झरना के ऊ आवाज के सुनकर आज हमें यहाँ इस मंच पे एगो ऐसन कलाकार के आमंत्रित करे के मन हो रहल बा, जिनकर नाम में सभी श्रोतागणन के कानन को तृप्त करे के एगो बहुत बड़की शक्ति बा। बुझ गलन की नहीं बात करत बानी हम तृप्ति शाकिया के। तो आप सब लोगन की इजाजत से हम उनके यहाँ पर सादर सस्नेह आमंत्रित करी कि तृप्ति आई और आकर हम सभी श्रोता लोगन के सावन के रस में और सुर के रस में आकर भिजो दे। शाकिया जी, एगो ऐसन आवाज, एगो ऐसन कलाकार जिनकर नाम तो बहुत, नाम तो बहुत कलाकार के हो जला, लेकिन आपकी गायकी और आपकी जो प्रतिभा बा वो हमें नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में हम जाने की बहुत ढेर भोजपुरिया भाषी और जो भी कलाकार प्रेमी हुई, भाषा के प्रेमी हुई और भक्ति के प्रेमी हुई, तो तृप्ति शाकिया जी के नाम से कौनों भी अपरिचित ना हुई। तृप्ति जी बहुत बहुत स्वागत बा आपके। बहुत बहुत धन्यवाद। तीज के, सावन के आपके ढेर शुभकामना। अभी बताएं कि हमार सभी श्रोता लोगन के बेसब्री से इंतजार बा, आज सबसे पहले आज कौन पेश की बात? सबसे पहले तो आपके भी बहुत बहुत शुभकामना और सभी महुआ के दर्शक लोगन के भी हमार तरफ से बहुत बहुत इस सावन के तीज के पर्व के ढेर सारी शुभकामना बा। हम सोचा था नहीं कि भोले बाबा के एगो भजन से हम शुरू बिल्कुल
तो इजाजत बा, हर हर महादेव। सावन के महीना में हमरे भोले बाबा और गौरा मैया की भी इच्छा हुई कि सावन की मेहंदी लगाई जाए, तो देखिए किस तरह से। शिव शंकर चले रे कैलाश के बूंदिया पड़ने लगी, शिव शंकर चले रे कैलाश के बूंदिया पड़ने लगी, भोले बाबा चले रे कैलाश के बूंदिया पड़ने लगी, भोले बाबा चले रे कैलाश के बूंदिया पड़ने लगी। बात है तृप्ति, भगवान भोलेनाथ के आनंद से और भक्ति धारा से हम तो विभोर हो गए ले ना। हमके पूरा विश्वास बा कि ये गाना सुने खातिर जिन लोगन के बेसब्री से इंतजार रहा कि भाई तृप्ति आए और भोलेनाथ बाबा के कांवड़ के मेला में इस सावन के महीना में उस भक्ति धारा से संचित करें, हमके ये मालूम बा कि विश्वास बा कि उन लोगों के ढेर आनंद मिलल हुई। आप कतौ जाए जिन बनल रही, यही हम लौटब एगो छोटे से ब्रेक के बाद।